भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहमावृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्नासुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान् की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक चाहे हम व्यायाम करें आसन करें प्राणायाम और ध्यान करें जो भी योग की प्रक्रिया जो भी योग की विधियां योग का अनुष्ठान हम करें ब्रह्म में प्रतिष्ठित रह करके मैं हमेशा कुछ बातें कहा करता हूँ उसमें ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है कि सदा हम योग चेतना में इसी योग चेतना को हम छह अन्य शब्दों से कहते हैं उच्च चेतना में दिव्य चेतना में आत्म चेतना में गुरु चेतना ऋषि चेतना भागवत चेतना में रहते हुए हम अपने योग धर्म का अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करें इसी को गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्भसा। इसी को दूसरी तरह से अभिव्यक्ति दी उपदेश दिया योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं योगः समाधिः योगः समाधानम्। ये योग की स्थिति है।
इसी को वेद में भगवान ने ब्रह्मचारी शनश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। ब्रह्मचारी ब्रह्म की ईशरण खोज करता हुआ, ब्रह्म को चाहता हुआ, ब्रह्म को ढूंढता हुआ, ब्रह्म के भगवान के प्रति एक तीव्र अभीप्सा, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षत्व, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धान्वित हो करके, और जब वो इस अस्तित्व में इस मूर्त सत्य के पीछे जो अमूर्त सत्य है, इस अपर ब्रह्म के पीछे जो पर ब्रह्म है, इस जीवन और जगत का जो मूल आधार है, उस सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा की खोज करता है, तो वो द्युलोक अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में उसी भगवान को चाहता है। ब्रह्मचारी शनश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। तो फिर धीरे धीरे सारी दैवी शक्तियों उस ब्रह्मचारी के अनुकूल हो जाती है, उसको आशीष देती है, उसको ऊंचा उठाती है, और वह फिर इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, साद आधार पृथ्वीं दिवम च, इस पृथ्वी को धारण करने योग्य सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति, यह है इस ब्रह्म विद्या की, योग विद्या अध्यात्म विद्या की शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य, यह इसका आकर्षण, यह इसका ग्लैमर, यह इसकी महिमा, यह इसका लाभ, यह इसकी उपलब्धि। तो हम योगाभ्यास भी ऐसे ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के करें, यदि अधिक नहीं तो थोड़ा ही सही। जैसे हम तो अभी दौड़ के आए हैं, तो हमारा तो बाह्य व्यायाम यद्यपि काफ़ी हो जाता है दौड़ने से भी, फिर भी एक बार आप लोगों को कम से कम 25-50-100 बार दंड बैठक भी लगाने का अभ्यास होता है, तो उससे भी अस्मा भवत नस्तन हो, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए, हमारा शरीर भी बलवान हो, स्वस्थ हो, और हमारी इंद्रियों पर भी हमारा नियंत्रण हो, हम जितेंद्रिय हों, और मन पर भी हमारा अधिकार हो। मैंने बार बार संकेत किया था कि मुक्ति क्या है, जो सदा प्राप्त है उसकी अनुभूति। हम सदा ब्रह्म को प्राप्त हैं लेकिन उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, जो सदा प्राप्त है उसकी अनुभूति, ये मुक्ति है, और जो सदा अप्राप्त है उससे अनासक्ति। जो सदा अप्राप्त है उससे हम आसक्त हो जाते हैं, बंधन है, और जो सदा प्राप्त है उसको हम विस्मृत कर देते हैं, ये समझदारी वाला काम नहीं। तो चलो, जैसे हम 25 बार इस तृतीय अभ्यास को कर ले, जिसको डीप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वक्ष भी कर सके, गर्दन सीधी, कमर सीधी, एक साथ नीचे शरीर जाए, सीना जमीन से टच करें, पच्चीस बार ऐसे करने का अभ्यास होना चाहिए कम से कम, और एक सप्ताह प्रयत्न करेंगे तो आपका 50 बार तक अभ्यास हो जाएगा, एक सप्ताह में 50 बार। उसे जल्दी करेंगे तो थोड़ा शरीर दुखेगा, फिर 25 से 50 बार ये दूसरा अभ्यास कर लें, 25 ब्रह्मचारी तो 20-25 से तो शुरुआत ही कर सकते हैं। इसमें भी नीचे ऐसे पूरा जाना चाहिए, पूरा ऐसे हाथ सीधे होने चाहिए, गर्दन ऊपर,
पच्चीस पच्चीस बार में भी एक साथ करने में दिक्कत हो रही। पच्चीस पच्चीस बार भी कर ले, धीरे धीरे एक सप्ताह में पचास पचास बार हो जाएगा। पांच पांच दस दस बढ़ाते जाए, फिर पच्चीस बार ऐसे साधारण दंड लगा ले, दो मिनट में सौ बार हो जाता है। दो मिनट में ये दो मिनट वाला व्यायाम बता दे, जैसे इसको भी पच्चीस बार कर ले। घुटने सीधे, पूरे नीचे डाल, पूरे ऊपर उठना। एक श्वास में एक अभ्यास, और कोई यदि चार पांच कर सके एक श्वास में तो और ज्यादा प्राण शक्ति प्रबल हो जाती है। घुटनों को सीधा रखे, नीचे पूरे जाए, इसका तो अभ्यास है। 75 बार हो गया, 100 बार करवा देते हैं आज। थोड़े थक जाए ना तो थोड़ा ऐसे हाथों को ना ये मसल्स को ऐसे रिलैक्स कर ले, तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे करने से मसल्स को एनर्जी आ जाती है। और 5-7 लंबे सांस ले ले बीच में, कुछ ब्रह्मचारी तो हिलडुल नहीं रहे, कुछ लगता है यांत्रिक समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ब्रह्मचारियों को। पच्चीस बार इसको कर ले, नीचे पूरा जाना, कुछ ऊपर ऊपर से करते हैं ऐसे, ये नहीं नीचे पूरा जाना ऐसे ऐसे, ऐसे। पूरे नीचे जाना, देखो ऐसे ये ऐसे देखो, नीचे 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 मतलब पूरा नीचे, पेट भी छाती भी ऐसे ऐसे ऐसे। कई बार ध्यान नहीं देते हैं तो गलती होता रहता है, सही तरीके से 100 बार कर लेते हैं तो 2 मिनट में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, पूरे नीचे जाना, पूरे ऊपर उठना, पहले 2 सेकंड एक बार हो पाता है ऐसे नीचे गए ऊपर उठे वापस आ, उसमें भी पूरा लाभ। और बात अधिक सामर्थ्य है तो तीव्र भी करते हैं तो ये तो 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, लेकिन स्फूर्ति पूरी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। फिर नीचे पूरा ऊपर भी पूरा, Mm.
ऐसे दो ही मिनट यदि कर लेना, दो मिनट में पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। लंबे लंबे श्वास, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो, धीरे धीरे करना। और जो पूरी तरह से योगी है, निरोगी है, ऊर्जावान है, बलवान है, समर्थ है, उनको तीव्र गति से करना चाहिए। थोड़ी देर, 5 मिनट ऐसे तीव्र गति से कर लेते हैं ना, तो इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना सामर्थ्य आ जाता है, इतनी शक्ति, इतना बल। बलम उपास, बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मचारियों को तीव्र गति से यह अभ्यास करना चाहिए। और मैं कहता हूँ, प्राण और प्रणव, मेरे प्राण प्रभु जी, प्राणों के साथ प्राणाधार प्रणव ओंकार, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका आश्रय, उनकी शरणागति। आंखें बंद, मन एकाग्र, सहज, शांत, प्राणों के साथ प्रणव ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सृष्टिकर्ता, नियंता, संघर्त, परम दयालु, परम कृपालु प्रभु की शरणागत। मेरे
सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम लगभग 5 मिनट जब कर लेते हैं ना, पांचों प्राण पंचभौतिक देह, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, 72,72,10,001 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है, प्राणिक ऊर्जा दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे ही कपाल भाती भी सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति पूर्वक करना तो माथे पर तो ऐसे ही पसीना आ जाएगा जैसे अभी मुझे आ रहा है। ऐसे एक बार तो पसीना पूरा चूना चाहिए, इतनी ऊर्जा होती है प्राण में। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए, पूरे मस्त होकर के। मैंने कहा बार बार योग चेतना, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में पूरे समाहित होकर के योगाभ्यास करना चाहिए। फिर देखिए योग से शक्तियां मिलेंगी, सिद्धियां, विभूतियां। जिसको अतिंद्रिय सामर्थ्य कहा जाता है योग की भाषा में, यह है योग की महिमा। कपाल भाती करते प्राणों के साथ जब प्राणों की आराधना करते हो और साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो अपने आप ही जीवन का दिव्य रूपांतरण होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता है, यही बहुत बड़ा चमत्कार और आविष्कार है, यही बहुत बड़ा अनुसंधान है कि योग से सब रोग मिटते हैं।